हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल ऑल इन वन ज्ञान ब्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे आलू मेथी का पराठा बिना स्टफिंग का। इसे हम बनाएंगे, झटपट से बन करके तैयार हो जाते हैं डबल स्वाद वाले पराठे आलू मेथी के। तो चलिए फिर आज हम आलू मेथी का पराठा बना लेते हैं। यहाँ पर मेथी पराठा बनाने के लिए हमने मेथी के फ्रेश पत्तों को ले लिया है और अच्छी तरीके से इसे हमने वॉश कर लिया है। पराठा बनाने के लिए हमें सॉफ्ट वाले पत्तों को ही लेना है, हार्ड डंठल को यूज नहीं करना है, डंठल को हटा देना है। यहाँ पर अब इसे बारीक बारीक कट कर लिए हैं। इसमें हमने अदरक को भी बारीक ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर आप अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अजवाइन। इसमें हम कुटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। आप यहाँ पर बारीक कट करके भी मिर्ची को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर उबले हुए आलू को हम इसमें मैश कर देंगे। बहुत गर्म है आलू को, इसी में बारीक बारीक तोड़ देंगे। गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आलूओं को भी इसी में हम मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें रोटी जैसा आटा लगा लेना है। यहाँ पर हमने आटा लगा करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हो गया है, पराठे को बना लेते हैं। छोटे छोटे पेड़े लेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से पराठे भी लेंगे सूखा आटा लगा करके। यहाँ पर आप किसी भी शेप में पराठे बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में, सर्कल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में। तो चलिए फिर सबसे पहले हम ट्रायंगल शेप का पराठा बनाते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग शेप का पराठा बनाने वाले हैं क्योंकि अलग अलग शेप का पराठा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप का पराठा बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारे पराठे को बेल करके रेडी कर लेना है। साइड में हमने पैन भी रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ऑयल या घी कुछ भर लगाएंगे, जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने घी लगा दिया है और पराठे को डाल दिया है। दोनों साइड से पराठे को गोल्डन होने तक हम इसे उलट पलट कर घी या ऑयल लगा करके सेक लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा हमारा एकदम गोल्डन हो गया है दोनों साइड से। उसे हम प्लेट में रखेंगे। इसी तरीके से हम सारे पराठे को सेकते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल और सर्कल शेप का पराठा बना लिया है। स्क्वायर शेप का भी पराठा बन करके रेडी हो गया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप दही, सॉस, चटनी, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। देखा ना कितना आसान है आलू मेथी का बिना स्टफिंग का पराठा बनाना। डबल स्वाद वाले पराठे बनकर के रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।